क्या हुआ है केजरीवाल को, क्यों घट रहा है वजन, आखिर क्यों डॉक्टर्स ने दी पेट सीटी स्कैन की सलाह, क्या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ और इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की बीमारी पर। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे समय से कई शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब एक और गंभीर बीमारी के संकेत मिले हैं, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की तारीख 1 जून को खत्म हो रही है। इसके बाद 2 जून को उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर जो खबर आम आदमी पार्टी ने दी है वो चिंता में डालने वाली है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मीडिया को बताया कि केजरीवाल का कीटोन का लेवल बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अचानक वजन घटना और कीटोन स्तर बढ़ने से किडनी को नुकसान के साथ ही उन्हें कैंसर की भी आशंका है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने की दरख्वास्त दी है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि पेट सिटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने के लिए उनकी अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए। आपको याद दिला दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली सीएम को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया था। आपको बता दें कि जब केजरीवाल ईडी की न्यायिक हिरासत में थे तब उनका वजन 7 किलो कम हो गया था। वजन का अचानक कम होना डॉक्टर्स के लिए चिंता का विषय है। दरअसल वजन का लगातार गिरना कैंसर का एक संकेत माना जाता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल में जो लक्षण दिख रहे हैं वो किडनी की गंभीर समस्या होने या कैंसर की ओर संकेत दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये केजरीवाल का नया ड्रामा है। अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह की गंभीर बीमारी के लक्षण बताए गए हैं और जो जांच कराने के लिए उन्हें कहा गया है वो केजरीवाल जैसे गैर आपराधिक छवि वाले व्यक्ति के फेवर में जा सकता है और मुमकिन है कि कोर्ट उनकी अर्जी मंजूर कर ले। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को कोई गंभीर बीमारी है या फिर वो ड्रामा कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।